और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर, और ऐसे में केजरीवाल दिल्ली के पार्ट टाइम सीएम है, ये बीजेपी का कहना है। दिल्ली में प्रदूषण से बच्चों को समस्या हो रही है, बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। आपको जानकारी दें कि दिल्ली में स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, दिल्ली के स्कूल तुरंत बंद होने चाहिए, बीजेपी ने यह मांग की है। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं है, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप खास तौर पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी अब हमलावर है, केजरीवाल दिल्ली के पार्ट टाइम सीएम है, इस बात का जिक्र किया बीजेपी ने। दिल्ली में प्रदूषण से बच्चों को समस्या हो रही है, तो आखिर स्कूल क्यों नहीं बंद कर रही है? यानी कि अब दिल्ली की सरकार को आम जनता से प्रेम नहीं है, यह बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं है, बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से। लगातार हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी मुखर रहती है, खास तौर पर तो सरकार को घेरने का एक और मुद्दा बढ़ता प्रदूषण है। तो कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हर वक्त जिस तरीके से ठनी नजर आती है, और ऐसे में अब दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है और आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसमें आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी की सरकार बताती थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि आम आदमी से कोई लेना देना नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी पार्टी का सोचते हैं, लोगों के हित का नहीं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में जहां स्कूली बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन फिर भी जो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही हैं कि अभी भी स्कूल और कॉलेजेस खुलेआम चल रहे हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रही, और इसी पर बीजेपी की तरफ से एक एक करके सवाल दागे जा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं 616 AQI लेवल जो बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंचा है, कि दिल्ली में हर दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है, स्कूल जाने वाला एक बच्चा भी है, तो बच्चे तकलीफ में है, सांस लेना उनको दूभर हो रहा है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ना तो प्रदूषण के कारणों का समाधान कर रही है, और ना ही वो कोई भी बच्चों के स्कूल बंद हो इसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये डिमांड आज से दो दिन पहले की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, आम आदमी पार्टी को समय नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली से ज्यादा वो पूरे देश में रहते हैं, दिल्ली के लोग।